के लोग सत्ता पर राज कर रहे हैं और हमें आपको हमारे महापुरुषों को गालियां दे रहे हैं, हम लोग चुपचाप सुन रहे हैं। अम्बेडकर साहब जी भी आप जिंदा होते तो आप भी शर्मिंदा होते कि हमने इनके लिए संविधान दे के गया, हमने इनके लिए इतने हकदार दे के गए और आज संगठन बना बना करके हम लोग आपस में बटे हैं। और ये जो फटी भूमि बाबा बैठे हुए हमारे महापुरुषों को गालियां दे रहे हैं, जिन्हें पढ़ने की हिम्मत नहीं है वो हमारे बाबाओं को गालियां दे रहे हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी चल रही है, जिसका इतिहास बना है, कोई भी पढ़ देती है उस जमाने में पढ़ती लिख नहीं थी। आज अम्बेडकर साहब जी की देन है कि हर समाज की लड़कियां पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही, यहाँ नहीं भारत को छोड़ो विदेशों में जाकर के पढ़ रही है। और यही बहुजन समाज के लोगों को 5 किलो राशन दे करके आप उन्हें कह रहे हो हम दलितों के सहारा है। अरे कौन सा आप दलितों के सहारा है, कौन सा आप बहुजनों की सहारा कर रहे हैं? अगर आपको बहुजनों का ही साथ देना है तो आप शिक्षा को सस्ती क्यों नहीं कर देते हो, आप स्वास्थ्य को सस्ती क्यों नहीं कर देते हो? 5 किलो राशन दे करके हम पर एहसान डाल रहे हो। आज की जनता को सबक सीखना है, सबक लेनी है एक होकर के, किसी भी कीमत पे बहुजन समाज को एक होकर के सबसे पहले हमें बैठी हुई सत्ता पे चलने वाली सरकार को हटाना है, उसके बाद हमें अपनी सत्ता चलानी है। क्योंकि हमें अफसोस ही इस बात की है कि हमारे समाज के लोग सिर्फ भारत की ही शिक्षा क्यों ले रहे हैं, आप विदेशों में जाकर के शिक्षा क्यों नहीं ले रहे हैं, आप विदेशों में जाकर के बड़ी बड़ी नौकरियां क्यों नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ भारत में ही क्यों सीमित रह जा रहे हैं? जब आपको पता है कि हमारी अधिकार दबाई जा रही है, हम सबको पता है कि हमारा संविधान पूरी तरह से नहीं लागू हुई है, फिर हम लोग क्यों शांत बैठे हैं? हम लोग क्यों हजारों संगठन बना करके घूम फिर रहे हैं? नहीं, ऐसा आप करेंगे तो आज अम्बेडकर साहब जी के द्वारा दिया गया हक अधिकार स्वाभिमान संविधान भी सोच में पड़ जाएगी और सोच में पड़ गई है। साथियों, समय का बहुत अभाव है, हमारे बीच आप सभी लोग आए हैं, सभी को बोलने का मौका मिला देना बहुत उचित है, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी विचार रखेंगे, सभी लोग अपनी बातें रखेंगे। बस मैं आप सभी से हाथ जोड़कर बस एक ही निवेदन करूंगी कि आप लोग संगठित होइए, संगठन ज्यादा मत बनाइए, संगठन से हम सत्ता पे राज नहीं कर पाएंगे, संगठित होकर के सत्ता पे राज कर पाएंगे। शिक्षा बेशक महंगी करते लेकिन मेरे दिमाग को कभी महंगी नहीं कर सकता, हम अपने दिमाग से खेलेंगे, हम संविधान को ताकत को पहचानेंगे, हम विदेशों में जाकर के शिक्षित होंगे, विदेशों की शिक्षा प्राप्त करेंगे। साथियों, आप इसी बीच में अपनी बातों को समाप्त करती हूँ, आप सभी